इनके इतने जबरदस्त फैन दिल्ली में है, बड़ी मुश्किल से ये अंदर से बाहर हमारे लिए स्पेशल इंटरव्यू के लिए आए हैं। सर, जानना चाहेंगे आपके बारे में कि इतनी लोकप्रियता आपकी है, क्या कहना चाहेंगे इस लोकप्रियता के लिए? देखिए, हम लोग बहुत 40 साल पहले से मैं गा रहा हूँ और बचपन से इसी शहर में। आज हमें जो कुछ भी मिला है दिल्ली शहर में मिला है। दिल्ली शहर में हम लोग स्ट्रगल करते थे, जितने भोजपुरी कलाकार हैं सबकी कर्मस्थली दिल्ली ही है। हम लोग टी सीरीज के कलाकार रहे हैं और टी सीरीज में गुलशन कुमार जी के साथ हम लोग स्ट्रगल करते थे और आज जो कुछ भी मिला है इस शहर से मिला है। और इस शहर का इस शहर में जब लोग प्यार देते हैं, इस शहर के लोग जब प्यार देते हैं तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि यही वो शहर है जहां हम लोग स्ट्रगल किए हैं, यही वो शहर है जहां हम कई रात भूखे सोए हैं, यही वो शहर है जहां हम कई रोज रिक्शा भी चलाए हैं। सर, काफ़ी गरीबी में आपने अपना जीवन बिताया, आज आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, सर देखकर कैसा लगता है आपको? यही तो प्यार है ना, और हर कलाकार यही चाहता है। जब स्ट्रगल करता है तो वो चाहता है कि एक दिन हमको पब्लिक का प्यार मिले, और इसीलिए हम स्ट्रगल करते हैं। और मैं तो भगवान से भी कहता हूँ कि किसी भी कलाकार को तुरंत सफलता मत देना, क्योंकि जब टाइम लेके सफलता, मतलब कुछ टाइम के बाद सफलता मिलती है तो वो आदमी उस सफलता का महत्व देता है। जैसे मेरे लिए सफलता का बहुत महत्व है, आपने देखा मैं अंदर से बाहर तक आया, लोग मुझे धक्के दे रहे हैं फिर भी मैं किसी को डांटता नहीं हूँ। मैं इतना प्यार से लोगों से मिलता हूँ, फ़ोटो खिंचवाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं 35-40 साल का वक्त लगा है। तो ये पब्लिक का प्यार है, पब्लिक प्यार देती है और अच्छा लगता है। कभी धक्का भी मारती तो भी अच्छा लगता है, कभी गाली भी दे देती तो अच्छा भी लगता है। आजकल तो यूट्यूब पर गाली भी दे देते हैं लोग, जैसे गाना नहीं पसंद आएगा गाली देते हैं लोग, ये भी प्यार है। तो सर, इतनी जो लोकप्रियता आपको मिली है और इतना प्यार आपको मिला है, खासतौर से इस प्रकार के जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत अच्छी बात है, और ख़ास करके दिल्ली सरकार में मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि दिल्ली सरकार में मैथिली भोजपुरी अकादमी के तरफ से कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे और ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमको तो बिहार में नहीं लोग बुलाते हैं, यहाँ दिल्ली सरकार ने मुझे बुलाया है, इसलिए दिल्ली सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखा देखी ये बिहार सरकार को करना चाहिए कि बिहार में क्या बोलता है मालूम, चले बिहारी को बुलाएंगे, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, नहीं समझेगा, नहीं बुलाना है। वो बिहार में बिहार प्रशासन जो है वो ऐसे ऐसे कलाकार को ढूंढते रहती है जिसमें एकदम भीड़ नहीं हो, जिसमें 400 कुर्सी लगे वो भी खाली रहे। तो दिल्ली सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे कलाकार को चांस दिया। और देखिए कितना प्यार से लोग सुन रहे हैं, कहाँ कोई हंगामा नहीं, प्यार से लोग सुनते हैं, तो अच्छा है। दिल्ली सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, एक शाम वतन के नाम इस कार्यक्रम के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारे देश के शहीदों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? एक शाम वतन के नाम, ये दिल्ली सरकार ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया है बहुत ही सराहनीय कदम है। इस देश को इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग बहुत असंवेदनशील या संवेदनहीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सेना शहीद होने के लिए होते हैं, लेकिन सेना की शहादत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज हम जो कुछ भी हैं, मैंने कहा कि 25 साल 30 साल 40 साल हम लोग स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये भी उस सेना की देन है। आज हम खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उस सेना की देन है। सेना अपने सीने पर गोली खाती और हमारी सुरक्षा करती है, और लानत है हम लोगों पर कि हम लोग उसकी शहादत पर भी राजनीति करते हैं। बहुत अच्छा। सेना का हम जितना सम्मान करें कम है, और पूरे देश को, भारत देश को एक होके सोचना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपका जो ये चैनल है जनता विशेष न्यूज, जनता विशेष न्यूज के सभी दर्शकों को, और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे देश से जब लड़ाई लड़नी हो तो पूरे देश को एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे, यहाँ इस देश में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तानियों का काम आसान कर देते हैं, कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि देश में रह के वो विदेशियों को हेल्प मत करें, कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करें। और लोग कहते हैं क्या करना चाहिए, एक सवाल होता है कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और बहुमत से एक सरकार चुन के आती है, सरकार पर हम लोग ये जिम्मेदारी थोपते हैं, सरकार जो उचित समझे वो करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई
इतना आसान नहीं होता जितना आसान हम लोग समझते हैं। हमारे पास भी परमाणु बम है, उसके पास भी परमाणु बम है। तो सरकार जो सोचेगी, हम 130-135 करोड़ जितनी भी जनता है, सरकार के साथ हमको खड़े होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को सरकार के विरोध में बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबको सरकार के साथ होना चाहिए, जैसे दूसरे देश में लोग करते हैं। जब भी बम ब्लास्ट होता है और जब भी किसी कोई विशेष बात होती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ सेना की शहादत पर भी हम लोग राजनीति करते हैं, ये बहुत ही बुरा है। सबको एक होकर एक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में सरकार के साथ हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। पार्टी नहीं, सरकार, इंडिया, इंडिया पहले, इंडिया रहेगा तभी पार्टी रहेगी, तभी हम रहेंगे। इसलिए इंडिया फर्स्ट, इसलिए सबको एक होके भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। पूरा हिंदुस्तान एक है, एक है। पाकिस्तान के मुकाबले में हम पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जो सरकार हम लोगों को आदेश देगी हम करेंगे। हमारा तो देखे कि नहीं, वो ढोले वाला ढोल बजा बजा के चला घुस जाएगा, एकदम लगता था पैदल चला जाएगा। देश में जोश है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। हम लोग को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार जो करे, सरकार का जो आदेश होगा, हम उसके उसके साथ हैं।